आखिर छूटेरी तेरी पैर चल उड़ा काहे काहे काम पे रहो रेशन के पास राइसिंग सन स्कूल के पास जी 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 मैं अपनी कार में जा रहा था जी जी ट्रैफिक जाम हो गया दफा 144 लगा हुआ है और 40 से 50 आदमी वहाँ पे जमा थे। मैं कंट्रोल रूम को कॉल किया, सर्कल साहब को कॉल किया, मेरी गाड़ी में ही बैठा मैं। फिर सर्कल साहब आए वहाँ पर, आने के बाद वो लोगों को वहाँ से मुंतशिर करना शुरू किए, बुलाना शुरू किए। और सर्कल साहब जैसे मेरे पास आए, मैं भी उतरा उनसे मिला। मिलने के बाद वो सारे लोग को सर्कल साहब बढ़ा रहे थे वहाँ से, क्यों यहाँ पर आप लोग ठहर के फोकसिंग कर रहे हैं, जाओ यहाँ से। तो वो लोग कह रहे थे, मेरे पास मोबाइल में भी रिकॉर्ड है वो, कि नहीं हम यहाँ से वोट डला रहे हैं। तो सर्कल साहब कहे कि भाई आप लोग वोट डलाने वाले कौन, आप जाइए, बल्कि वो लोग बढ़ा रहे थे। उस दौरान ऑल ऑफ सडन वो पूरे जितने भी लोग थे सर्कल साहब के ऊपर और मेरे ऊपर हमलावर हुए, और उसकी भी वीडियो है। खैर वो मेरे को धक्का वगैरह दिए, मैं एक बार नीचे गिर गया, फिर उठा, फिर पुलिस और सर्कल साहब मेरे को जो है गाड़ी में बिठाए, और वो लोग जो है कुछ बड़ी सी चीज़ ला के सर्कल साहब के ऊपर भी डालने की कोशिश की है। सर्कल साहब भी मेरे साथ भागते हुए जो है गाड़ी तक आए उनकी। मैं वहाँ गाड़ी के पास ठहर गया, मेरे को बोले गाड़ी में बैठ जाओ। तो बोला नहीं बैठता, मैं क्यों बैठूँ गाड़ी में, यहाँ पे जो लोग हैं उनको भेज देंगे। फिर वो वहाँ से फिर सर्कल साहब हम गाड़ी में बैठे, मैं यहाँ पर आ गया पुलिस स्टेशन, और वो सिर्फ ये बोकस करने नहीं दिया जा रहा, तो वो लोग जो है हमला करने की कोशिश की और हमला किए। और उसके अंदर समद बिन अफ्ताद और कोई एक और एक अवैसी का कोई रिश्तेदार भी है उसमें, अवैसी नाम से। बहरहाल जो भी लोग हैं मेरे पास सारे उनकी वीडियो है, और मैं मीडिया के सामने भी बताऊंगा और यहाँ पे कंप्लेंट में भी लिखूंगा। आप बूथ पे क्यों गया? मैं बूथ पे नहीं गया, मैं रोड पे हुआ ये सर। मैं अंदर बूथ में नहीं गया ना बूथ के पास गया मैं। ये किधर हुआ वाकई? ये राइसिंग सन स्कूल के पास, मैं मेरी गाड़ी के पास ही ठहरा हुआ था, मेरी गाड़ी के पास ही। मैं बूथ में भी नहीं गया, और ये बूथ से थोड़ी दूर पहले यानी कि बूथ की गली के अंदर ये लोग ठहरे हुए थे। हम लोग बूथ की गली के अंदर भी पूरा नहीं, बिल्कुल वहाँ पे जहाँ सर्कल साहब ठहरे थे, मैं और सर्कल साहब दोनों रुके। रुकते ही वो लोग आके ही हमला करते।